कार्व्यू। और आज हमारे पास जो मौजूद है, आपने देखी ये थार जो मौजूद है मेरे पास, और ये है एलेक्स वेरिएंट। आपको जैसा कि बताया गया, ये टॉप वेरिएंट है थार का। और आज हमारे साथ जो शशांक सोनकर जी मौजूद हैं, और वही हमें बताने वाले हैं कि इस थार में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और क्या क्या अपडेट किया गया है। पिछले जो भी मॉडल है हमारे पास, उससे क्या क्या अपडेट किया गया, वो सब हम उनसे जानेंगे। वो पूरा हमें डिटेल में सब बताने वाले हैं। और अगर आपके भी थार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर पूछ सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरीज हैं थार को लेकर। हमारे साथ मौजूद है शशांक सोनकर जी, उनसे हम पूरा रिव्यू करेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर, और सबसे पहले सर हमें बताएंगे कि इसमें सर हमारा सबसे पहले सवाल ये है, अब तक गाड़ी आगे लॉन्च होने के बाद कस्टमर का फीडबैक कैसा रहा? हम देखिए, इसके लिए फीडबैक कस्टमर का बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि देखिए ये एक शौक के लिए गाड़ी है, इसको एडवेंचर के लिए भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको ट्रैवल में ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं अगर लद्दाख वगैरह आप जा रहे हैं, जर्नी में जा रहे हैं, इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मैम, इंजन तो इसका काफ़ी पावरफुल है, आपको ये बता देते हैं, ये दो इंजन में आती है, डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन, आपको दोनों में मिलता है। डीजल में आपको इसमें 2200 cc का इंजन मिल जाता है, 130 bhp की पावर देता है, और 300 nm का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा। लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको स्लाइडिंग भी बहुत अच्छी मिल रखती है, बेटर रहती है बहुत पहले से। और फ्रंट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। कौन सा? इसको आप जो है फाइबर कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत है जो बॉडी है इसका फाइबर क्या है। ये आगे फ्रंट का जो है, एक्चुअली फ्रंट में हम स्टील नहीं रखते, गवर्नमेंट डिजाइन है। अच्छा। और अगर आप इसको देखेंगे अंदर, जो इसका म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, उसमें भी आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम इसका दिया हुआ है। आपको सराउंड सिस्टम दे रखा है इसमें, ताकि स्क्रीन 7:8 का इनपुट देना है। इसमें हम पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप होम बटन पर आइएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके सेटिंग मेन्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर। यहाँ पर ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड डिवाइस में आप क्लिक कर दीजिए। सो इस तरह से फाइनली आप अपना फ़ोन जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, इतना ईजी मैथड से जो सर ने बताया है। तो गाइस, सबसे पहले अभी हम इसमें देखने वाले हैं कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी हम चेक करेंगे। जैसा कि अभी सर ने बताया था, ब्लूटूथ कनेक्ट करके उन्होंने बताया है, तो फाइनली इसमें ब्लूटूथ हमने कनेक्ट कर लिया। अभी इसका साउंड सिस्टम जो सुनना जा रहे हैं, तो वो भी हम सुनते हैं कि कैसा है। आप इसमें देख सकते हो कि जो है चार स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं, चार इधर, छह टोटल छह स्पीकर हैं, चार इधर है और दो आगे है, एक यहाँ पर और एक उधर है जो स्पीकर है। और जैसे कि अभी आपने सुना था, साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आ रही थी, और साउंड क्वालिटी में कोई भी ऐसा नहीं कि बेकार है या कुछ है, साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो फिलहाल अभी हम लोग फोकस करते हैं, वापस से आ जाते हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर। सेफ्टी रेटिंग, तो सर हमें सबसे पहले ये बताइए, सेफ्टी रेटिंग अभी इसको कितनी दी गई है और कितनी अच्छी है इसकी सेफ्टी रेटिंग? मैम, ग्लोबल एनकैप में इसको 4-star रेटिंग दे रखी है। हाँ। अगर आप देखा जाए तो 4-star रेटिंग बहुत ही कम गाड़ियों को मिलती है। जी जी। हमारी XUV 700 को 5-star रेटिंग मिली है, XUV 300 को 5-star रेटिंग मिली है। अच्छा जी। और थार को 4-star रेटिंग मिली है। 4-star तक भी बहुत ही कम गाड़ियाँ पहुँच पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं सेफ्टी में। एयरबैग्स, टोटल एयरबैग्स इसमें कितने? टोटल इसमें 2 एयरबैग, सिर्फ दो ही है जी। आपको दो एयरबैग के साथ में ABS और ABD भी आपको मिल जाता है। ABS आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये आपकी ब्रेकिंग जो है, जैसे आप अचानक से कोई सामने आ गया, आपने ब्रेक लगाया, लेकिन आपको स्टीयरिंग जो है आपको टर्न करना है, तो ABS की वजह से आप स्टीयरिंग आराम से टर्न कर सकती हैं, स्टीयरिंग व्हील को ये लॉक नहीं होता। मतलब अगर हम हाई स्पीड पे होते हैं और अचानक से सामने कुछ आ जाता है, तो ABS जो है उसका रोकने का काम करता है। ABS इसको थोड़ा जल्दी रोकने का काम करता है। ओके। रोक भी देता है, और इसको आप स्टीयरिंग को भी आप इजीली टर्न कर सकती हैं, क्योंकि होता है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो
आपका स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, देखते हैं रोड पर जो ना स्किड जो व्हील स्किड होते हैं उसके निशान पड़ जाते हैं, तो जिस गाड़ी में ABS होता है उसमें वो ऐसा नहीं होता, निशान कभी नहीं पड़ेगा। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी दे रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, ABS यानी हमारा जो। डैशबोर्ड क्या क्या है इसका, जो डैशबोर्ड पिछले से कितना अपडेट हुआ है हमें उसके बारे में बताइए। मैम अगर देखा जाए तो जो पहले हमारी थार आती थी इससे पहले उससे इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि कम से कम अगर आप देखेंगे तो शायद हमारे हिसाब से तो 80% इम्प्रूवमेंट हो गया है। ओके, 80% इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल गया है, बहुत अच्छा, पहले नहीं आता था, अलॉय व्हील्स नहीं आते थे। अलॉय व्हील्स आपने हमें नहीं बताया, वो कितने इंच के हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? 18 इंच के अलॉय व्हील्स। 18 इंच के चारों, मतलब चारों तो बराबर ही, चारों आपको अलॉय व्हील मिलेंगे 18 इंच के। और जो मैम पीछे एक व्हील लगा हुआ है थार के बैक साइड पर, वो भी आपको 18 इंच का ही मिलेगा। कई गाड़ियां होती हैं। मुझे ये चीज़ बताइए कि स्कॉर्पियो और थार में बेस्ट क्या है? स्कॉर्पियो का अलग मजा है और थार का अलग मजा है, क्योंकि थार जो होती है लोग ज्यादातर लोग शौक के लिए लेते हैं, आप फैमिली पर्पस पे बहुत ही कम लोग इसको यूज करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आपको 100 स्कॉर्पियो दिखेंगे तो उसमें शायद आपको 4 या 5 की थार मिलेगी, क्योंकि थार सिर्फ शौक के लिए। आप अगर इसमें 2 लोग बैठ जाइए तो बैग, अगर 4 लोग बैठ जाएंगे तो उसमें आप पीछे सामान वगैरह नहीं रख सकते, लगेज वगैरह, क्योंकि बूट स्पेस तो इसमें है ही नहीं, बूट जैसा कुछ नहीं है इसमें। इसको ज्यादातर लोग एडवेंचर के लिए ही यूज करते हैं। इंजन के मामले में ये कितना अच्छा है? मैम इंजन के मामले में अगर देखा जाए तो डीजल इंजन का 2200 cc का है। डीजल इंजन 2200 cc का जी। ये एमहॉक का है, एमहॉक का इंजन दे रखा है इसमें, 150 bhp 130 bhp की पावर दे रखी है। और पेट्रोल में इसमें 150 bhp की पावर है। इसमें पेट्रोल वेरियंट भी आता है? पेट्रोल वेरियंट भी आता है, और सब पेट्रोल वेरियंट भी ज्यादा बिक रहा है। ये डीजल वेरियंट है, पेट्रोल वेरियंट जी। अगर देखा है तो इसमें 50-50% की पार्टनरशिप है पेट्रोल और डीजल में दोनों। अच्छा, इसमें ये ओपन होने का कुछ नहीं है? नहीं मैम, ये ओपन नहीं होगा, ये हार्ड टॉप है। लेकिन इसमें अगर आप ओपन भी करना चाहती हैं तो इसमें एक ऑप्शन रहता है कन्वर्टेबल का। अच्छा, कन्वर्टेबल का ऑप्शन है इसमें। तो इसमें करवाना पड़ता है या असली मतलब रहेगा इसमें? मैम कंपनी फिटेड रहता है। अच्छा, हाँ तो ये इसमें नहीं, दो ऑप्शन आते हैं, एक कन्वर्टेबल और एक हार्ड टॉप। कन्वर्टेबल में आप जो है रूफ को ओपन कर सकती हैं। तो ये कन्वर्टेबल है या नहीं? ये कन्वर्टेबल नहीं है, ये हार्ड टॉप है। ये हार्ड टॉप जी। कन्वर्टेबल भी आती है इसमें, आप बुकिंग करेंगे इसमें, वेटिंग है 85 weeks की। अच्छा, डीजल पर 85 weeks की वेटिंग दे रखी है। तो अगर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उन्हें चाहिए कि जो कन्वर्टेबल वाली है तो उसकी बुकिंग के बाद कितने दिनों बाद ये गाड़ी उनको मिल जाएगी डिलीवरी के हिसाब से? मैम अगर आप वो बुक करते हैं कार, कन्वर्टेबल हो या फिर हार्ड, इस टाइम 85 weeks की वेटिंग चल रही है। 85 weeks की वेटिंग चल रही है, और कुछ मॉडल्स पे 60 weeks की भी वेटिंग है। अच्छा, तो अब तक ये टोटल जो इसकी डिलीवरी हो चुकी है अब तक जब से ये लॉन्च हुई है कितनी हो चुकी है? मैम यहाँ से हमारे शोरूम से अगर मंथली हम अगर बताएं आपको, ये थार जो लॉन्च हुई है आपकी 2021 में लॉन्च हुई है, 2020 में अगस्त में थार लॉन्च हुई थी जी। और इसमें आपको हर महीने यहाँ से आज इस टाइम पर करीब 15-20 गाड़ियाँ ये जा रही हैं हर महीने एक शोरूम से। हर महीने कितनी जा रही है? 15-20। अगर ये अगर से 20 हाँ, अगर हमें कार ज़्यादा मिल जाए इसमें प्रोडक्शन अगर थोड़ा बढ़ा देंगे तो हर महीने ये गाड़ी कम से कम 40-50 निकलेगी एक शोरूम से। क्या बात है, थार की एक अलग ही बात होती है कि जब ये जाती है ना रास्ते लोग हाँ थार जा रही है भले वो अंदर मतलब कहते हैं लोग ज्यादा नहीं इसमें आ सकते हैं लेकिन ये देखिए वो लोग खुद ही देखिए लोग ये क्या है एक वो हो रही है ना अच्छा थार जा रही है ये देखो लोगों की नजर उस थार पे ही है। ये जो ड्राइविंग का मोड है ये किस हिसाब से मतलब चलता है कितना वो हमें आप बताइए, जो हम लोग इसमें टेस्टिंग के दौरान देखते हैं माइलेज वगैरह जो है। माइलेज वगैरह देखिए इसका कंपनी के जो क्लेम है 18 का क्लेम है, 18 का क्लेम है, लेकिन जो कस्टमर फीडबैक आते हैं हम अलग अलग आते हैं, 20 का भी लेकर आता है हमारे पास, कोई 10 का भी ले आता है, कुछ 10 का दे दिए, कुछ लोग नाराज रहते हैं कि 10 का माइलेज दे दिए, और कुछ लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि अरे भैया तो 20 का माइलेज दे दिए। अच्छा, मतलब ज़्यादा भी हो जाता है क्या? बिल्कुल, देखिए ड्राइविंग पर हम डिपेंड करता है माइलेज,
अच्छा अच्छा इसमें आपको 60 और जो नॉर्मली जो ऑन एवरेज हमारे पास आ रहे हैं वो 16-17 वाले आ रहे हैं। अच्छा, 16-17 का माइलेज आराम से मिलता है। मैम इतनी बड़ी गाड़ी में 2200 सीसी के इंजन में अगर आपको 16-17 का माइलेज मिल रहा है बुरी बात है। पेट्रोल डीजल का सेम माइलेज है और ये कार को ड्राइव करने में स्लोली ही मजा आता है अगर आप बिल्कुल आराम से ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, कहीं जल्दी नहीं है आपको जाने। अच्छा, सर्विस के मामले में ये कैसी है? मतलब आपको कस्टमर्स आते ही होंगे, गाड़ियाँ ली हैं, तो सर्विसिंग के मामले में ये कैसी है? मैम अभी हमने एक कस्टमर को ये थार दी थी ऑटोमेटिक, उन्होंने जब सर्विस करवाए उसके बाद वो बड़ा खुश हो गए। अच्छा, बोले कि जो है अरे यार शिशांत इसमें तो ना बस इतनी कम सर्विस आएगी हमें पता ही नहीं था। उनकी करीब 5000 में ही सर्विस हो गई थी। अच्छा अच्छा, में सर्विस हो गई। अच्छा, कितने टाइम बाद उनको जरूरत पड़ी सर्विस? आप 10,000 किलोमीटर पे इस पे सर्विस करवा सकते हैं। 10,000 किलोमीटर के बाद आप सर्विसिंग करा सकते हैं? 10,000 किलोमीटर के बाद बहुत अच्छा खासा है। 10,000 किलोमीटर हो सकती है, 5,000।